इस वीडियो में मैं आप सबसे कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा, उसके हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करूंगा, 1947 वॉर के बारे में डिस्कस करूंगा, उसके बाद कैसे नेहरू जी ने कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को यूएन में ले जाके अपने लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक की थी उसके बारे में डिस्कस करूंगा, एंड देन द आर्टिकल 370 एंड देन द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 जो एक हिस्टोरिक स्टेप था टू सॉल्व द कश्मीर लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम एंड देन द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ कश्मीर आफ्टर रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370। हाय दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन और आप देख रहे हैं अर्जुन डिफेंस टीवी। तो चलिए लॉग इन करते हैं। सबसे पहले हम कश्मीर के शॉर्ट हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। इन पास्ट कश्मीर ये मौर्यन एम्पायर के अंडर था, जिसके बाद इन 15th सेंचुरी बुद्धिज्म ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चालू किया कश्मीर में, जिसका कारण है कि आज भी हम लद्दाख में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन बुद्धिस्ट देखते हैं। उसके बाद इन 17th सेंचुरी मुगल्स ने कश्मीर को कॉन्कर किया और वहां से कश्मीर में इस्लाम की शुरुआत हुई। उसके बाद अंडर द रूल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह सिखों ने मुगल को हरा के कश्मीर अपने अंडर लिया और इन 1846 ब्रिटिश कॉन्कर्ड कश्मीर फ्रॉम सिख और उन्होंने एक इंडियन रूलर को 70 लाख रुपीज में कश्मीर को रूल करने को दे दिया। अब हम आते हैं द हिस्ट्री ऑफ 1947। इन 1947 जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था, जहां उसका मानना था कि मुस्लिम को अपना अलग सा देश मिलना चाहिए और यहां से इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन की शुरुआत होती है। मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका यह भी मानना था कि कश्मीर, जहां 80% ऑफ पॉपुलेशन मुस्लिम रहती है, शुड ज्वाइन पाकिस्तान, उस समय महाराजा ने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। स्टैंड स्टिल का मतलब होता है द स्टेटस ऑफ कश्मीर शुड बी मेंटेन न्यूट्रल बाय बोथ पाकिस्तान एंड एज वेल एज इंडिया, जिसका कारण था कि महाराजा सेम एग्रीमेंट इंडिया के साथ भी साइन करना चाहते थे। बट अगेन पाकिस्तान विल बी पाकिस्तान। पाकिस्तान ने एग्रीमेंट साइन करने के बाद भी कश्मीर पे हमला कर दिया, जिसका कारण है कि वॉयलेंस इन कश्मीर स्टार्टेड। इमीडिएटली महाराजा हरि सिंह ने इंडियन गवर्नमेंट से मिलिट्री हेल्प मांगी, बट इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्प करने की एक कंडीशन रख दी, दैट कश्मीर शुड ज्वाइन इंडिया एंड देयर आफ्टर द फेमस एग्रीमेंट वॉज साइन बिटवीन महाराजा एंड इंडियन गवर्नमेंट। द एग्रीमेंट वॉज नोन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। After signing this agreement, Pakistan rejected this agreement, saying that it was been signed by the unpopular ruler. Similarly, as they have rejected that Osama bin Laden was not found in Pakistan. अब हम आते हैं इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1948। एज सून एज द इंस्ट्रूमेंट वॉज साइन, इंडिया ने अपनी मिलिट्री डिप्लॉय कर दी इन कश्मीर टू रिपेल द अटैक फ्रॉम पाकिस्तान साइड एंड दस फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर बिगेन। ये वॉर पूरे कश्मीर में लड़ी गई थी, जिसमें कारगिल और सियाचिन जो एक हाई अल्टीट्यूड रीजन है वो भी इसमें शामिल थे। द आर्मी पुशेस बैक द अटैकर्स टू द नॉर्दर्न साइड एंड देन एट द वेस्टर्न साइड ऑफ कश्मीर वेयर 90% ऑफ पॉपुलेशन वर मुस्लिम हैव जॉइंड पाकिस्तान एंड फॉर्म द टेम्पररी गवर्नमेंट विच वॉज लेटर नोन एज आजाद कश्मीर बाय द पाकिस्तानी साइड एंड टूडे इंडिया नेम इट एज POK मीन्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और यहाँ एक गलती होती है नेहरू जी के साइड से कि नेहरू जी ने इंडियन आर्मी को आगे जाने से रोक दिया, जिसका कारण है कि आज भी 35% ऑफ कश्मीर लैंड इज विद पाकिस्तान। और दूसरी गलती नेहरू जी के साइड से ये हुई कि नेहरू जी ने पूरे कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज कर दिया। उन्होंने कश्मीर इशू को UN में ले जाके अपने लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक की, जिसका रिजल्ट है कि आज भी पाकिस्तान के पास कश्मीर का पार्ट है एंड 70 ईयर्स से इट्स पार्ट ऑफ मनी एंड मैन पावर वेस्ट कर रहा है कश्मीर में इन ऑर्डर टू मैनेज द कश्मीर इशू। एंड देन आफ्टर द वॉर द महाराजा हरि सिंह हैज साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन टू मर्ज इन इंडिया एंड दस यूजुअली पाकिस्तान रिजेक्टेड दिस इंस्ट्रूमेंट सेइंग इट वॉज बीन साइंड बाय द अनपॉपुलर रूलर। अब हम आते हैं कि कैसे कश्मीर इशू को यूनाइटेड नेशन में ले जाया गया। इन जनवरी 1948 इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान गोज टू यूनाइटेड नेशन टू सॉल्व द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। और फिर यूनाइटेड नेशन ने ये इशू सॉल्व करने के लिए एक कमीशन का गठन किया, जिसका नाम रखा गया यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये कमीशन ने 3 कॉन्सिक्वेंशियल एंड नॉन बाइंडिंग स्टेप्स बताया टू सॉल्व द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। द फर्स्ट स्टेप वॉज द पाकिस्तान शुड विड्रॉ ऑल इट्स मिलिट्री फ्रॉम कश्मीर। और ये रिजोल्यूशन का सेकेंड स्टेप था दैट इंडिया शुड विड्रॉ इट्स मिलिट्री एंड कीप मिनिमम फोर्सेस एट द बॉर्डर साइट। और थर्ड पॉइंट ये था कि एट लास्ट द प्लेबिसाइट टू बी हैपन्ड ऑन द विल ऑफ पीपल।
और ये रेजुलेशन की खासियत ये है कि पाकिस्तान ने कभी भी फर्स्ट एफ ई फुलफिल नहीं किया, पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री कभी विड्रॉ ही नहीं की कश्मीर से, जिसके वजह से इंडिया ने भी मिलिट्री विड्रॉ नहीं की और द स्टेलमेट कंटिन्यूज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड देन इंडिया पाकिस्तान में कुछ समय बाद सीज फायर हो गया एंड दस लेटर दैट बॉर्डर लाइन वॉज नोन एज लाइन ऑफ कंट्रोल। अब यहाँ हम कश्मीर में दो लाइन देखते हैं, एक द लाइन ऑफ कंट्रोल विच इज शेयर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड द सेकेंड लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विच इज शेयर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब हम जानते हैं द आर्टिकल 370 के बारे में। सो इन 1947 और 1948 के वॉर के बाद शेख अब्दुल्ला को सीएम ऑफ कश्मीर बना दिया गया। शेख अब्दुल्ला और इंडियन गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट तैयार किया जिसका नाम दिया गया द आर्टिकल 370। अंडर आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया, बट ये स्टेटस टेम्पररी रहेगा, यह बोल्ड और क्लियरली मेंशन किया गया था। यह स्पेशल अलाउंसेंस में शामिल था कि कश्मीर का पार्लियामेंट यह सुपीरियर होगा और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी लॉ पास कराना हो तो पहले उसे जम्मू एंड कश्मीर के पार्लियामेंट में पास कराना होगा, उसके बाद वो पूरे जम्मू एंड कश्मीर में लागू होगा। स्टेटस में ये भी मेंशन था कि कोई भी इंडियन जम्मू एंड कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता था, यह इसलिए रखा गया था कि कश्मीर में कोई भी डेमोग्राफिक चेंज ना हो। बट एक लॉन्ग टर्म से सोचा जाए तो यह आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर को कभी भी एक डेवलप स्टेट नहीं बना सकता, क्योंकि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि समझ लो कि कल जाके किसी बिजनेसमैन को जम्मू एंड कश्मीर में फैक्ट्री डालनी है और वहाँ मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करनी हो तो वो जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस की वजह से नहीं कर सकता, क्योंकि उसे वहाँ जमीन खरीदने का ही अधिकार नहीं होगा। आज भी जम्मू कश्मीर का मेन सोर्स ऑफ इनकम टूरिज्म है। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं तो हमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होगा जिसके वजह से और फॉरेन टूरिस्ट अट्रैक्ट हो जम्मू एंड कश्मीर में, और यह इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ गवर्नमेंट फंडिंग से ही पॉसिबल नहीं हो सकता। उसके लिए हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स FDI की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन यह सब जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस की वजह से पॉसिबल नहीं था। अब हम आते हैं द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370। फाइनली आफ्टर 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम इंडियंस बोल सकते हैं दैट जम्मू एंड कश्मीर इज 101% इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 ये कैसे पॉसिबल था ये हम आज डिस्कस करेंगे। इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 370 को एक टेम्परेरी स्टेटस दिया गया था और इसलिए विदाउट एनी अमेंडमेंट बिल जस्ट एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू करके गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। ऑल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल नाउ अप्लाई इन जम्मू एंड कश्मीर। इसका मतलब है कि जम्मू एंड कश्मीर का कोई अलग सा फ्लैग नहीं रहेगा और कोई भी इंडियन जम्मू एंड कश्मीर में लैंड खरीद सकता है। सो इन लॉन्ग रन इट विल जस्ट बूस्ट द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब हम आते हैं जम्मू एंड कश्मीर स्प्लिट इन टू डिफरेंट स्टेट। जैसे आर्टिकल 370 रिमूव किया गया, द यूनियन मिनिस्टर अमित शाह मूव्ड ए बिल फॉर बाइफोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन टू यूनियन टेरिटरीज, द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड सेकेंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ये यूनियन टेरिटरी का मतलब है कि जम्मू एंड कश्मीर को सेंट्रल कंट्रोल करेगा, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को और पुलिस पे सेंट्रल का कंट्रोल होगा। और यूनियन मिनिस्टर ने ये भी कहा कि लद्दाख विल हैव द लेजिस्लेचर लाइक चंडीगढ़ व्हाइल जम्मू एंड कश्मीर विल हैव द लेजिस्लेचर लाइक दिल्ली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू वॉन्ट टू सी मोर वीडियोज हिट सब्सक्राइब बटन। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।